डीजल में लगाने के लिए सीएनजी किट आया नहीं है, और जब आया ही नहीं तो हम लगाएंगे कहाँ से। मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और परिवहन मंत्री को ज्ञापन भी दिया है एक हफ्ता पहले, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर 18 जनवरी को हम लोग धरना का कार्यक्रम रखें, उसके बाद हम लोग 31 जनवरी तक उनके डेडलाइन तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते। सरकार एक्सचेंज ऑफर करे, सब जहाँ रोड पर ले जाओ, सब तुम ही जमा करो सरकार, ले जाओ गाड़ी से यहाँ के तहाँ रोडे पर जिसका गाड़ी लगा देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। अभी मैं स्टेशन निकट ऑटो स्टैंड में हूँ और यहाँ पर तमाम जो ऑटो चालक हैं यहाँ पर अपना ऑटो लगाया करते हैं, पर समस्याएं उत्पन्न तब हो गई जब सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया कि तमाम जो ऑटो हैं उसमें सीएनजी किट जो है वो फिट होना चाहिए और डीजल पे कहीं ना कहीं अब रोक लगाया जा रहा है, जिसको लेकर ये तमाम जो ऑटो चालक हैं कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरे हुए हैं। हमारे साथ टाटा पार्क ऑटो स्टैंड के संयोजक रविंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। क्या आगे आप लोग रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीएनजी किट जो है वो तमाम ऑटो में लगाए जाने हैं, समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? देखिए, समस्या यहाँ हो रहा है कि अभी तक सीएनजी किट आया ही नहीं है, डीजल में लगाने के लिए सीएनजी किट आया नहीं है, और जब आया ही नहीं तो हम लगाएंगे कहाँ से। तो सीधे सीधे सरकार हमारे व्यवसाय को बंद करना चाहती है, ओला उबर को लाना चाहती है और इन गरीबों को भूखे मरने को छोड़ना चाहती है। तो आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? 18 जनवरी को हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना देने का कार्यक्रम रखा है। हम लोगों ने उसके पहले मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और परिवहन मंत्री को ज्ञापन भी दिया है एक हफ्ता पहले, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर 18 जनवरी को हम लोग धरना का कार्यक्रम रखेंगे। मांगे क्या कह रहे हैं? मांगे एक ही सूत्री मांगे है कि जो या तो आप हमको सीएनजी गाड़ी दे दीजिए, मेरा गाड़ी ले लीजिए, या फिर किट आप ले आइए, हम उसमें लगा लेंगे। अच्छा, जो अभी सीएनजी किट जो लगा चुके हैं उनके साथ भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है? हाँ, रिफिलिंग की, हाँ रिफिलिंग मान तीन ही स्टेशन पटना में है अभी जो रिफिलिंग का है, जो कम से कम 12-12 घंटा वहाँ टेम्पू चालक रात भर रह के और गैस भर आते हैं। अच्छा। रिफिलिंग की व्यवस्था नहीं है और माने अटेंडम सरकार अराजकता लाना चाह रहा है शहर में। विवश हो के हम लोग अपनी गाड़ियों का परिचालन बंद कर लेंगे, जब डीजल मिलेगा नहीं, सीएनजी मिलेगा नहीं, तो गाड़ी चलेगी कैसे। यानी 18 तारीख को आप लोग सांस्कृतिक जो धरना देंगे और उसमें अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप लोग हड़ताल पे चले? हाँ हाँ हाँ, उसके बाद हम लोग 31 जनवरी तक उनके डेडलाइन तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है? लॉकडाउन से तो ऐसे लोग इंसान मर गए, ड्राइवर लोग, उसके बाद अभी तुरंत कहाँ से गाड़ी खरीद लेगा। इसके लिए कम से कम साल दो साल और टाइम दिया जाए, यही डिमांड है। सीएनजी किट फिट कराने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या उत्पन्न हो रही है कि सीएनजी हर जगह व्यवस्था नहीं है। अच्छा। जो व्यवस्था है टाउन में है, जहाँ नंबर लगता है कम से कम 20 गाड़ी के बाद आपका टाइम है। हाँ। अच्छा। उसके बाद 20 गाड़ी के बाद भी होता है क्या भाई, तो इतना नहीं आपको गैस मिल रहा है, पूरा फुल नहीं मिल रहा है। अच्छा। उसमें क्या चलाएगा आदमी? किट ही नहीं है। किट तो है नहीं मार्केट में, अभी किट अवेलेबल नहीं है। और आप क्या करते हैं भैया? मोटर चलाते हैं। अच्छा, आपके साथ क्या समस्या उत्पन्न? वही समस्या है जो सब लोगों के साथ है। सीएनजी किट मुहैया हो रही है मार्केट में, मिल पा रहा है आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं मिल पा रहे। नहीं, किट नहीं है, सीएनजी किट नहीं है सर, सीएनजी किट नहीं है। और लॉकडाउन में सब आदमी ऐसी तबाह है, ट्रेन में चल नहीं रही, बंद बाजार है नहीं, इसके बाद सीएनजी कहां से लगाएगा आदमी? और सीएनजी के लिए अब 3 लाख रुपया पूंजी कहां से लगा सर? 3 लाख रुपया 150 रुपया कमाने वाला आदमी, सरकार गाड़ी जमा ले ले और गाड़ी दे, इसके बाद वो अपना सीमित से लोन मान दे, ऐसा हो सकता है? सरकार एक्सचेंज ऑफर करे, उसमें अगर हम लोग सक्षम रहेंगे तो जा सकते हैं, इसलिए कि डीजल तो गाड़ी, अगर ये गाड़ी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हर घड़ी आपको रहेगा, समझे? तो प्रॉब्लम जब तक कि इसमें सीएनजी अगर देती है सरकार तो हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तो है नहीं, तो हम लोग के साथ इस तरह से एक बैक किया जा रहा है कि हटाने के लिए। हर जगह मिल नहीं रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है? जो सीएनजी गैस जो मार्केट में पूरा नहीं है, सिर्फ पटने में है, हाजीपुर क्षेत्र चलने वाला एक वो पंप नहीं है, अभी तक कोई पंप का ओपनिंग नहीं हुआ है वहाँ पर। बस तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों को पहले से ही कहा जा रहा था कि सीएनजी किट जो है वो आप लोग लगवा लें। लगवा ले तो रहेगा, तब तो लगाएंगे, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी बात है कि अगर लगाने के लिए भी जाएं तो मेरे पास अगर 25-30 हज़ार रुपया रहेंगे, 50 रुपया हम कमाने वाले आदमी हैं रोज का, और 25-30 हज़ार रुपया हम एक बार कहाँ से लाएंगे?
सरकार तो हमको दे नहीं रही है। अगर हम इससे 50 रुपया कमाते हैं, बीवी बाल बच्चा को खिलाते हैं, तो क्या हम किट लगाएं या हम परिवार चलाएं, ये बताइए। एक तो लॉकडाउन में इसी तरह मर गए हम लोग, सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो समझने वाली बात है। आप भी समझ सकते हैं कि क्या हम लोग के पास बीत रहा है। यानी आप लोग तैयार है कि सरकार मांग नहीं सुनती है तो आप लोग हड़ताल? एकदम कंफर्म है और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। आप क्या करते हैं भैया? टेम्पो चलाते हैं। क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? सीएनजी किट लगाने? बस हाँ, वही हो रही है। क्या कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? किटे लगाने के लिए और पंप भी नहीं है। और हम लोग कोरोना में बहुत गरीब, माने हम लोग मर गए, अभी पैसा कौड़ी है नहीं। सरकार कह रही है कि अभी सीएनजी लगाना बंद करो, डीजल, यही हम लोग का समस्या है। सरकार से क्या मांग करेंगे? हम लोग है कि हम लोग का ये गाड़ी रख लेवे और सीएनजी दे गाड़ी, एक्सचेंज पे सीएनजी आप लोगों गाड़ी चाहिए। हाँ, ये पुरानी गाड़ी डीजल वाली रख ले। बस नया गाड़ी का परमिट भी नहीं इशू कर रहे हैं, वो चलान पे कर रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। उसमें ट्रैफिक तंग किया जा रहा है, हर एक मार्केट चौक चौराहे पे रुपया लिया जा रहा है। यहाँ लूट हो रहा है, यहाँ जो है गरीबी को, गरीब को हटाने की बात हो रहा है, समझे ना। यहाँ जो हाँ कुछ नहीं, कहने का मतलब कि आपने टैक्स ले लिया 15 साल का, परमिट का पैसा 5-5 साल पर निर्भर होता है। जिस परमिट का 1600 रुपया चालान लगता था, उसको अभी 7.5 से 8 रुपया लगता है। आप जब परमिट जब ले लिए, आज इस गाड़ी को आप 10 साल भी नहीं पूरा है, रेफर कर रहे हैं, रोड पर से हटा रहे हैं, ऐसा कहाँ का नियम है? जब टैक्स बिल जब जमा है, कागज पत्र कंप्लीट है। आप संघ के संयोजक भी हैं, परमिट के मुद्दे पर आपने क्या पहल की और आगे क्या पहल करने? ये लगातार हम लोग सरकार से इस संबंध में बताते रहते हैं, लेकिन ये गूंगी भरी सरकार है, किसी की सुनती नहीं है। जब तक आंदोलन नहीं हो, आंदोलन भी हम लोग करते हैं तो आश्वासन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, आगे चालू किया जाएगा। अब देखिए, इस सारी गाड़ियों का 15-15 साल का उन्होंने टैक्स ले रखा है, अचानक कोई 5 साल कोई 6 साल चला है, उसके बाद उसको बंद कर दिए। सरकार को टैक्स वापस करें। हम लोगों ने रखा भी है उनके सामने कि आप अगर सीएनजी हमको दे रहे हैं तो जो मेरा कागज़ बचा हुआ है उसको उसी पर चढ़ा दीजिए, ताकि हाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि हमारा जो पैसा आपके यहाँ जमा है वो पैसा मेरा निकल जाए। तो मैंने एक लूट का वो बिजनेस कर रहे हैं और कुछ है नहीं। प्रदूषण में हम लोगों ने बता दें कि बायो डीजल भी आ रहा है, हम इस गाड़ी को बायो डीजल से चला सकते हैं, सीएनजी ही क्यों? लेकिन अब सरकार सुनने को तैयार नहीं है, यानी मांगे नहीं सुनी जा रही है। आपको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? आप करते क्या? ऑटो चलाते हैं। सीएनजी किट फिट कराने में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? यहाँ आएगा सीएनजी तब ना किट लगवाएगा। अच्छा। अभी आया ही नहीं है, किट कहाँ से लगाएगा बताइए? मार्केट में अभी नहीं आया, कहाँ आया है? एको गाड़ी में तो कहाँ भी लगा हम देखा। आएगा तब ना, व्यवस्था उसका कीजिएगा तब ना लगाएगा, है ना भैया? अब सरकार पैसा देवे, व्यवस्था करे किट लगाने के लिए, हम लोग तैयार है, सीएनजी पे चलाने के लिए तैयार है। ओसन ही डीजल गाड़ी पे अब रोक लगा रही है, तो आगे की यही नीति रोक लेगा तो यहाँ जहाँ तहाँ गाड़ी रोडे पर लगा देवल जाएगा, ओकर घरे जाके खा लेवल जाएगा, यही ना करेगा? सब जहाँ है रोड पर ले जाओ, सब तो ही जमा करो सरकार, ले जाओ गाड़ी से अहाँ के तहाँ रोडे पर जिसका गाड़ी लगा देना। उम्मीद है सरकार से कि सरकार इनकी मांगे जो हैं वो मानेगी, और यही कारण है कि ये तमाम जो लोग हैं ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सीएनजी किट जो है वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो ऑटो हैं उसमें सीएनजी किट जो है वो फिट कराए। हालांकि संयोजक का साफ तौर पे कहना है कि समय अवधि भी नहीं मिली है, जिसको लेकर के ये जो ऑटो चालक हैं इनके पास उतनी पूंजी भी अभी नहीं है। खैर, इन तमाम सवालों को लेकर हम लगातार इन मुद्दों को लेकर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। खैर, 18 तारीख को जो ऑटो संघ के जो तमाम नेता हैं वो हड़ताल पर बैठेंगे और धरने पर बैठेंगे, और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठेंगे अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो। खैर, बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीजल में लगाने के लिए सीएनजी किट आया नहीं है, और जब आया ही नहीं तो हम लगाएंगे कहाँ? मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और परिवहन मंत्री को ज्ञापन भी दिया है 1 हफ्ता पहले, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर 18 जनवरी को हम लोग धरना का कार्यक्रम रखें, उसके बाद हम लोग 31 जनवरी तक उनके डेडलाइन तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते। सरकार एक्सचेंज ऑफर करे, सब जहाँ है रोड पर ले जाओ, सब तो ही जमा करो सरकार, ले जाओ गाड़ी से अहाँ के तहाँ रोडे पर जिसका गाड़ी लगा देना है।